हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टीट्यूट लेट लक्ष्मण राव उस्ताद उसके अलवर ITI। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डिवाइडर्स की। अपने कंपास बॉक्स में आपने इस प्रकार के एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसे इस्तेमाल भी किया होगा। इसे डिवाइडर कहा जाता है। आइए देखते हैं इसको कहाँ पर किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, इट इज़ यूज्ड फॉर डिवीज़न। डिवाइडर का मतलब होता है बांटना या दो भागों में विभाजित करना। इसीलिए इस टूल को डिवाइडर कहा जाता है। डिवाइडर का उपयोग दो बिंदुओं के बीच माप लेने के लिए या दो बिंदुओं के बीच माप लेकर उसे स्केल में ट्रांसफ़र करने या फिर किसी दो बिंदुओं के बीच उसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए किया जाता है। डिवाइडर बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसके दो पॉइंटेड एंड होते हैं। इसके दोनों पॉइंटेड एंड को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है ताकि यह जल्दी ख़राब ना हो। इसकी नोक बहुत अधिक तेज होती है ताकि इससे सही माप लिया जा सके। टूल को वर्कपीस से रिमूव किए बिना ही एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा इसे वर्कपीस पर सेट किया जाता है तथा इससे ना सिर्फ माप लेते हैं परंतु माप लेने के साथ ही इसके पॉइंटेड एंड द्वारा वर्कपीस पर मार्क लगा सकते हैं या किसी प्रकार का निशान भी लगा सकते हैं। इसमें एरर की पॉसिबिलिटीज़ जीरो होती है, मतलब किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स नहीं होती। स्केल की तुलना में डिवाइडर ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट होता है। डिवाइडर के दो प्रकार होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिवाइडर और दूसरा स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। स्प्रिंग टाइप डिवाइडर वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के डिवाइडर में दो पॉइंटेड एंड किसी स्प्रिंग के और स्क्रू नट की सहायता से कनेक्टेड होते हैं। इसमें तनाव के कारण ही डायमेंशंस बहुत इजीली लिए जा सकते हैं तथा इसे हर एक प्रकार से वर्कपीस पर सेट किया जा सकता है। ऑर्डिनरी डिवाइडर के दोनों लेग्स को रिवेट तथा वाशर की सहायता से जोड़ा जाता है। इसे केवल हाथों से ही खोला या बंद किया जा सकता है। अक्सर इस प्रकार के डिवाइडर में मिस्टेक के चांसेस होते हैं। डिवाइडर का प्रयोग किसी मेटल वर्कपीस पर सर्कल मार्क करने, समान दूरी पर या अलग अलग दूरी पर ड्रिलिंग, टैपिंग जैसे ऑपरेशंस के लिए सेंटर मार्क करने या फिर किसी मेटल वर्कपीस के डायमीटर या लंबाई को स्केल में ट्रांसफ़र करने या फिर उस दूरी को मेज़र करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं डिवाइडर को इस्तेमाल करते वक्त रखी जाने वाली सावधानियाँ। कार्य करने के पहले डिवाइडर का पॉइंट्स देख लेना चाहिए यह व्यवस्थित है या नहीं। मार्किंग करते समय डिवाइडर पर अधिक दबाव या प्रेशर नहीं देना चाहिए। किसी जॉब पर उसका डायमीटर लेते समय इसे किसी नोक या सेंटर पंच की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। अगेन, किसी कार्य को करने के पश्चात इसके पॉइंट को अच्छे से साफ करके कटिंग टूल से दूर रखना चाहिए ताकि इसकी लाइफ लॉन्ग हो तथा लंबे समय तक यह कार्य करता रहे। आई होप वीडियो लेक्चर्स के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में अगर डाउट है या प्रॉब्लम है तो अपने इंस्ट्रक्टर से संपर्क करें।
फॉर एडमिशन एंड मोर डिटेल कॉन्टैक्ट टू आवर इंस्टीट्यूट लेट लक्ष्मण रस्ताद उसके अलवर ITI। थैंक यू।